Hello everyone, welcome back to the channel. Today I'm here with class 7's poem, Lord Alan's Daughter. This is a ballad, which is a narrative poem telling us a story along with music. So, पहले के टाइम पे स्टेज पर प्लेज होते थे और वहाँ पर जो स्टोरीज थी उनको प्रेजेंट करना होता था इन द फॉर्म ऑफ प्ले. तो प्ले में म्यूजिक भी होगा, राइट? सो बैलेड्स वर क्रिएटेड. ठीक है, स्टोरी को एक म्यूजिक के फॉर्म में हम जब प्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ बैलेड. सो लॉर्ड अलन्स डॉटर इज अ बैलेड. बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स सी द समरी, व्हाट इज देयर इन द स्टोरी. सो देयर आर टू लवर्स, वन इज लॉर्ड अलन्स डॉटर एंड द सेकेंड इज चीफ ऑफ अल्वा, एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ लेक लॉकगाइल. तो वो वहां पर क्यों खड़े हैं? यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक है डॉटर ऑफ लॉर्ड अलन एंड चीफ ऑफ अल्वा. ये दोनों ही आइलैंड्स हैं अलग अलग, और उसके लॉर्ड अलन की जो डॉटर हैं वो और अल्वा की जो चीफ हैं वो वहां पर खड़े हैं, शोर यानी किनारा. बट वाई दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द एंगर ऑफ लॉर्ड अलन. वो किससे बचकर भाग रहे हैं? लॉर्ड अलन की जो डॉटर हैं उनके फादर, यानी लॉर्ड अलन के डर से वो भाग रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बोथ ऑफ देम गेट टुगेदर. दे रिक्वेस्ट द बोटमैन टू टेक देम टू द अदर साइड ऑफ द लेक फॉर अ सिल्वर पाउंड. और वो वहां पर लेक लॉग गाइल के किनारे पर वो पहुंचकर, जो वहां पर बोटमैन है उसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, आप हमको दूसरे साइड पर ले जाओ, लेक हमें क्रॉस करा दो, एंड उसके बदले में वो क्या देंगे? एक सिल्वर पाउंड देंगे. पाउंड मीन्स अ कॉइन. सो बोटमैन अग्रीज, बोटमैन सेज ओके, बट ही सेज दैट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी. वो ये कहता है कि मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द सेफ्टी ऑफ द लवली ब्राइड, फॉर द बॉनी ब्राइड. आपने ये वर्ड पढ़ा होगा पोएम में, चार्मिंग ब्राइड, बॉनी ब्राइड. अब जो लेक था इट वॉज स्टॉर्मी, वेदर बहुत रफ था, दैट मीन्स वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तेज हवा चल रही है, पानी में बहुत हाई वेव्स हैं, बट स्टिल वो हाँ कर देता है कि ठीक है, मैं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपकी ब्राइड है, जो लेडी है, वो सेफ हो जाए. When Lord Alan's army reaches the shore of the lake, अब Lord Alan की जो army थी वो इनका पीछा कर रही थी, वो finally इस lake के किनारे पर पहुंच जाते हैं, एंड लॉर्ड अलन क्या देखते हैं? दैट हिज डॉटर इज इन द मिडल ऑफ द लेक. उनकी जो डॉटर है वो बोट में है, और बोट कहाँ पर है? लेक के एकदम बीचों बीच है, और आसपास बिल्कुल बहुत तेज बहाव में पानी है. तो वो अपनी डॉटर को वापस बुलाते हैं, ही कॉल्स हर बैक प्रोमिसिंग टू फॉरगिव हर. वो बोलते हैं कि प्लीज वापस आ जाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बट वो वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पानी में इतनी हाई वेव्स थी, बोट के आसपास इतना ज्यादा पानी था कि बोट ओवरटर्न हो जाती है, यानी पलट जाती है, एंड ऑल ऑफ देम ड्राउन. वो सब डूब जाते हैं, यानी लॉर्ड अलन की डॉटर, चीफ ऑफ अल्वा एंड द बोटमैन, एंड द फादर इज लेफ्ट क्राइंग ऑन द शोर. और जो फादर हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए, टू सेव हर डॉटर. Okay, this is the brief summary of the whole poem. I hope it is clear to you. In case you have any doubts, you can always put the questions in the comment box. Moving towards the questions. So the first question is to arrange the lines in order of events in the poem. So there are certain lines given in the book, and you need to arrange the events as they happened in the poem. Okay, so first thing that happened was that both of them fell in love, Scottish chieftain and Lord Alan's daughter. Then they run away from Lord Alan's anger. And then Lord Alan and his men, they are trying to chase, they are trying to catch both of them for 3 days. They try to search for them for 3 days. The chieftain requested a boatman to ferry them across the lake. So they request the boatman. After that, boatman agrees. After that, Lord Alan reaches the shore of Lochgyle, and in the end, Lord Alan watched the boat capsize in stormy waters. And Lord Alan last mein kya dekhte hain? That the boat is overturned, capsize yani water ke andar jab कोई भी चीज पलट जाती है तो उसको कहते हैं कैप्साइज. सो बोट पलटते हुए वो लास्ट में देखते हैं. दिस इज हाउ द इवेंट्स अकर्ड इन द पोएम. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस.
It says, now who be ye would cross loch guile this dark and stormy weather? So who be ye? Ye means who are you? Be ye, who are you who wants to cross this lake in this stormy weather? Who is saying these lines and to whom? So the boatman said these lines, and to whom? The Highland chieftain. Why were they trying to cross the lake? So they were trying to cross the lake to escape her father, Lord Alan. Clear? How much money was the speaker offered with? How much money was the speaker? Speaker kaun hai? Boatman. Offered with. Yani speaker ko kitne paise dene ki baat hui thi. So the boatman had been offered a silver pound to take the lovers across the lake. तो ये बात हुई थी, उसको ये बोला गया था कि आप हमें दूसरी साइड लेके जाओ और हम आपको एक सिल्वर पाउंड देंगे, यानी सिल्वर कॉइन देंगे. तो सिल्वर कॉइन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए वो बोला गया. Did the speaker agree to take them across the lake? यानी क्या बोटमैन ने हाँ किया था, एंड क्यों हाँ की? We know the answer, right? So the boatman agreed to ferry them across the stormy waters of Loch Gyle. उन्होंने हाँ करी. And he did so not because of silver pound, but for the sake of charming lady, the chieftain's lover. उन्होंने सिर्फ जो charming lady है, उनकी safety के लिए हाँ की. Next is, oh haste thee haste. Haste means to do something in a hurry. So who said these words and to whom and where was the speaker? So ye lines kisne boli thi? Lord Alan's daughter said these words to the boatman. She was with chieftain. Together they were trying to cross Loch Gyle. So they were standing on the shore of the lake Loch Gyle. Next is to describe the weather at that time. So there was a terrible storm which was gathering. The lake was stormy with raging white waves. Raging ka matlab angry white waves. Jab pani bahut tez speed se flow hota hai, to aap dekhoge na white color aata hai pani mein. So isliye wahan par raging white waves, yani gusse mein thi, aisa laga tha pani gusse mein hai. A strong wind blew, bahut tez hawa chal rahi thi, and the sky was dark. Why had the speaker just heard? What had the speaker just heard that made her want to hurry? Speaker कौन है? Lord Alan की daughter. उन्होंने ऐसा क्या सुना था जिस वजह से उन्होंने कहा कि जल्दी करो? So she had heard the sound of armed men riding towards them. उन्होंने क्या सुना था कि उनके जो father हैं उनकी army पहुंच रही है. उन्होंने घोड़ों की आवाज और पैरों की आवाज सुन ली थी, इसलिए उन्होंने बोला कि जल्दी करो, यहाँ से जल्दी निकलो. She knew that they would be captured if they did not hurry. उसको पता था कि अगर वो यहाँ से अभी नहीं निकलते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा. What did the speaker not wish to face? यानी स्पीकर किस चीज का सामना नहीं करना चाह रही थी और उसके बजाय वो क्या फेस कर लेंगी? She rather, that means वो क्या प्रेफर करेंगी? So she did not want to face the anger of her father. She said she would rather face the angry skies and stormy lake. Next, for sore dismayed through storm and shade, his child he did discover. So who is he here? He is Lord Alan. And who is the child? Obviously, the child is his daughter. Where is the father and why was he dismayed? Why was he sad? Why was he in a shock? So Lord Alan had been chasing the lovers and had reached the shores of Loch Gyle. Wo abhi abhi pahunche the. He was dismayed. Wo ekdam shock mein the aur grief mein the, dukh mein the, because unhone dekha ki unki jo lovely daughter hai wo kahan hai? In the middle of stormy lake, jisme ek haath was coming out of the water for help and the other was around the lover. So from one hand she was holding on to the lover and jo dusra haath tha wo pani ke bahar tha, she was trying to ask for help. Next question says, how had his mood changed when he reached that place? Unka mood kaise change hua tha? Kiska change? Kiska mood change hua? Jo father the, unka mood kaise change hua? So Lord Alan's anger changed to sorrow. He was sad when he reached the shore and saw his lovely daughter in danger of drowning in the lake. So unhe jab dekha ki unki beti shayad doob sakti hai lake mein, wo khatre mein hai, to unka sara gussa jo tha wo dukh mein badal gaya.
What appeal, what request did he make to his child when he saw her? उन्होंने किस चीज की request करी? So he appealed to his daughter to come back and was even ready to forgive her lover. So उन्होंने request करी कि आप वापस आ जाओ और मैं आप दोनों को माफ कर दूंगा. What was his appeal answered? यानी जो उन्होंने request करी थी क्या वो पूरी हो पाई? What happened instead? और उसके बजाय क्या हो जाता है? So his appeal was not answered. As the storm proved too powerful and beyond the control of boatman. तो ऐसा नहीं हो पाया, वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि जो storm था, जो पानी था, वो बहुत ज़्यादा powerful था and boatman boat को control नहीं कर पाया. His daughter could not come back, even if she wanted to. अगर वापस आना भी चाहती तो भी नहीं आ सकती थी. एंड लॉर्ड अलेन वॉच्ड हेल्पलेसली एज शी ड्राउंड. लॉर्ड अलेन बिना, वो कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पे. ही वॉज हेल्पलेस, वो लाचार थे एंड उनकी जो बेटी थी वो डूब गई. द वॉटर्स ऑफ द लेक ओवरटर्न्ड द बोट एंड ही लॉस्ट हिज चाइल्ड. जो पानी था वो इतना पावरफुल था कि बोट ओवरटर्न्ड, दैट मीन्स वो पलट गई एंड Lord Allen had lost his daughter. I hope you are clear with the answer. Now there are some value-based questions based on the poem. It says the boatman risked his own life by agreeing to ferry the lovers. यानी उसने अपनी खुद की भी तो जान रिस्क में डाली ना, जब वो स्टॉर्मी लेक में गए बोट को लेकर. So इससे हमें क्या पता चलता है बोटमैन के बारे में? First thing that he was not greedy because he said that he would take the lovers, ferry the lovers, yani boat mein bitha kar, aap kahin jaate ho jab, ya baith kar jaate ho, usko ferry kehte hain. So he agreed not for the silver pound but for the charming lady. So he risked his own life for two strangers. Wo janta thodi tha unko. तो उनके कोई वो रिश्तेदार तो नहीं थे, बट स्ट्रेंजर्स के लिए ही रिस्क्ड हिज लाइफ. ही वाज नॉट ग्रीडी. ही लॉस्ट हिज लाइफ आल्सो इन द रेजिंग स्टॉर्म. सो दिस शोज दैट ही वाज ब्रेव एंड सेल्फलेस. एक तो वो ब्रेव थे और वो सेल्फलेस थे, यानी उन्होंने अपनी चिंता करे बिना उन दोनों की सेफ्टी को देखते हुए वो लेक में उस बोट को ले गए थे. सो ही वाज नॉट ग्रीडी. वन is greedy, नहीं थे वो, he was not greedy. Second is he was brave and third is selfless. These are the three qualities that you need to remember about the boatman. Then we need to locate and write down any five examples of alliteration. I hope you know what is alliteration. Alliteration means when the sound of same consonant is repeated in the line. ठीक है, जैसे Betty bought some butter. So B sound यहाँ पर repeat हो रहा है ना बार बार, that is why Betty bought some butter. And fast before her father's men, 3 days we have fled together. So यहाँ पर fast F sound repeat हो रहा है. Out spoke the hardy Highland wight. So यहाँ पर H sound. And still they rode amidst the roar. R sound is repeated, so alliteration here. The loud waves lashed the shore, so L sound. The waters wild went over his child, W sound. W sound is repeated. Next is, explain the meaning of the lines, oh too strong for human hand, the tempest gathered over her. So इसमें जो first line है, that means the storm proved too strong for any human being to overcome it. यानी जो storm थी वो बहुत ज़्यादा strong थी and कोई भी human being के लिए it was impossible to fight from it. Second line means the storm gathered around the boat. The tempest gathered over her का मतलब है जो पानी था और जो विंड थी वो चारों तरफ से उसने बोट को घेर लिया था और उसके अंदर जो लेडी थी उसको भी घेर लिया था. Together the lines indicate that the boatman could not maintain control over the boat. So दोनों meaning का इकट्ठे क्या meaning है दोनों lines का? कि जो बोटमैन था उसके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द बोट, वो नहीं संभाल पा रहा था. एंड हिज पैसेंजर्स वर अराउंड द वेव्स. सो दिस आल्सो शोज द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अगेंस्ट द पावर ऑफ नेचर. और इससे हमें ये भी पता चलता है कि नेचर के आगे हम कितने वीक हैं. अगर नेचर अपनी पावर दिखाने पर आता है, सो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट्स पावर. नेचुरल डिजास्टर्स जब आते हैं हम तब भी ये चीज़ विटनेस करते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट
We need to identify the figure of speech which is there in given line and explain it. So figure of speech is personification. The water wraith was shrieking. So the water has been given a human-like quality of a ghost and was said to be screaming, referring to the loud noise made by the storm. So यहाँ पर जो water है, it is shown as a ghost and a human-like quality of a ghost. The loud noise made by the storm. Okay. Next we have, do you sympathize with Lord Allen? Give reasons for your answer. So we do sympathize with Lord Allen when his beloved daughter drowns in the lake. Yes, हम sympathize ज़रूर करते हैं क्योंकि उनकी बेटी को उन्होंने loss किया, यानी वो death हो गई उनकी. But he was an overprotective father who did not want his daughter to marry the chieftain. His actions were driven by anger at his daughter eloping with a chieftain of a rival clan. तो वो इतने overprotective थे और उन्होंने अपने गुस्से में देखा ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं. During the duration of the poem, we might feel he was being unreasonable, which makes it difficult to sympathize with him. So, जब हम poem में पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो unreasonable थे, बिना किसी reason के he was angry. He was not able to or ready to understand the two people. So, इसलिए sympathy रखना उनके साथ थोड़ा मुश्किल है. At the end, he watches like a helpless bystander, his daughter being engulfed by the stormy waves. और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि वो लाचार खड़े हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जो स्टॉर्मी वेव्स हैं, यानी जो हाई वेव्स हैं पानी में, उन्होंने उनकी बेटी को खा लिया, एनगल्फ्ड यानी चारों तरफ से घेर लिया. एंड ही वाज डेस्परेट, वो बहुत चाह रहे थे कि उनकी बेटी को वो बचा ले, बट वो नहीं कर पाए. सो एज द रीडर्स ऑफ द पोएम, आई फील दैट फीलिंग्स टुवर्ड्स लॉर्ड अलेन कैन बी मिक्स्ड, बोथ sympathy for him and anger at him for foolishly driving his daughter towards death. So according to me, I feel ki hum sympathy bhi rakhenge aur gussa bhi hai hame unki taraf ki unhone apni daughter ko nahi samjha and unki wajah se the daughter died. Agar wo gussa nahi karte, wo unse baat karte, to shayad aisa nahi hota. I hope the questions are clear. Now there are some vocabulary questions also related to the poem. There are some words, archaic words, ऐसे वर्ड्स जो अब हम आज की इंग्लिश में नहीं यूज करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में पहले यूज करते थे. सो दीज आर यूज इन द पोएम, बट इनका मीनिंग क्या है हम वो देख लेते हैं. सो बिसीच इज यूज इन द पोएम, विच मीन्स टू बेग ऑफ, टू रिक्वेस्ट. एनॉन मीन्स सून. कजन, टू चीट. आर्ट दाउ मीन्स आर यू. विलियम शेक्सपियर के प्लेज में आपको ये बहुत दिखेंगे ये वर्ड्स. ही वॉज लॉडेड फॉर हिज ब्रेवरी का मतलब होता है प्रेज्ड. So then, damsel in distress, damsel is young unmarried woman. Then yonder means over there and ere means before. Ye word aapko bahut dikhega. So before. And then we have alliteration examples which are given and we need to underline the words which are showing alliteration. So in the first one, we have C sound, cobbles clattered, clashed. C sound getting repeated. In the next one, it is whistled, window and waiting. And then we have deep and darkness, doubting, dreaming. The sound is repeated here, right? Then birches, bend, boys, B sound, nodded, nearly napping. N sound is repeated here, N sound, okay? Sky, C, S sound, lay, load, L sound. Way, walk, W sound, and beauty, bareness, B sound. Okay, I hope you are clear with the alliteration, with the archaic words which I used here. Then the question and answers. In case you have any doubt, you can ask and show some love on the channel. Subscribe and share with your friends, and I'll try to upload more and more videos now frequently. All right, so have a good day, stay safe, goodbye.